नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वास्थ्य पर चर्चा। चूंकि बारिश का मौसम है, बरसात में जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में बच्चों में फैलने वाली बीमारियां विशेष रूप से और ज्यादा बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे कई अभिभावक, कई जो बच्चों के माता पिता होते हैं, उनको समझ में नहीं आती है किस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं वो पनपने लगते हैं। हमारे साथ विशेष रूप से बाल रोग विशेषज्ञ साथ जुड़ने वाले हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजय सोनी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सक्षम न्यूज इंडिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरह से डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है, जिस तरह से बरसात का मौसम है, बारिश में बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं, उपजती हैं और खासकर बच्चों में, तो आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, क्या लक्षण रहते हैं, क्या उन बीमारियों को बचाव करने के क्या सारी चीजें हों कि उनको बचाव किया जाए और क्या लक्षण हों कि उनका समय पे इलाज हो? बच्चों में सबसे ज्यादा जो अपनी कॉमन बीमारियां हैं वो है डायरिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब के जो अपने उनके गाइडलाइंस, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों में 50% चांसेस होते हैं डस्ट के, डायरिया के लिए सबसे कॉमन, जो अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, मृत्यु दर होती है, जो पानी के कारण जो होती है बीमारियाँ सबसे ज़्यादा वो डस्ट के कारण होती है 50%। उसके बाद होता है डिसेंट्री होता है, जिसमें बच्चों को डस्ट के रास्ते खून आता है, फिर मलेरिया हुआ, उसका टाइफाइड हुआ, उसका एमिबियासिस हुआ, उसका डिसेंट्री हुआ, ये सब कुछ कॉमन बीमारियाँ हैं जो बहुत, और उससे भी ज़्यादा अपने पास मतलब जो बरसात के कारण होता है, मतलब पानी के कारण होता है, वो सबसे ज़्यादा है दस्त। इसमें सबसे ज़्यादा दस्त ही है बच्चों में देखा गया है। उसको बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है अपने पास कि जो भी हम या क्या नाम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो फिल्टर पानी यूज करें, या फिल्टर की व्यवस्था नहीं है तो पानी को गर्म करके ठंडा करके दें बच्चों को। उसके साथ हम जिंक सबसे जरूरी है, जिंक और ORS सोल्यूशन। आजकल तो भारत गवर्नमेंट में हर जगह एक दस्तक अभियान शुरू किया है, जिसमें बच्चों को दस्त के बारे में बताया गया कि कैसे घर पे रखें, एज ए सोसाइटी, सोशल लेवल, सोसाइटी लेवल पे हम कैसे दस्त को रोकें। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हाइजीनिक मेंटेन करें, मतलब सफाई रखना, पहले अपने खुद को कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हो या पानी हो पीने के लिए, उसमें सफाई रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात है, सफाई के साथ साथ हम बाहर की चीज़ों को कम उपयोग करें, बाहर की चीज़ों को खाएं नहीं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दस्त होता है। तीसरी चीज़ है कि अगर घर में जो बनी हुई चीज़ें उसको हम ढक के रखें, जिससे हम जैसे मक्खियाँ यह सब और जो मतलब इन्वायरमेंट जिसके कारण हम दस्त फैलता है उसको रोका जा सकता है। ये तीन स्तर है, मतलब खुद को सफाई रखें, दूसरा बाहर की चीज़ों को मत खाएं, तीसरा अगर घर में जो भी चीज़ बने उसको ढक के रखें, इससे हम बच सकते हैं दस्त से। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है, चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जिस तरह से मच्छर पनपते हैं, मच्छरों की संख्या और मच्छर जिस तरह से विकराल रूप धारण करते हैं, तो उनसे बचने के लिए मच्छर के बाद डेंगू जैसी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, तो उसको बचाव के क्या कारण, बचाव किस तरह से हो सके और उनसे कैसे बचा जा सके? जो डेंगू वाली चीज़ें होती हैं, डेंगू जो मतलब बीमारियां हैं वो आती हैं बरसात के बाद जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो सबसे जरूरी है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें। जैसे छत पे छोटे छोटे बर्तन हैं या ग्लास है या जो बॉटल, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो डेंगू मच्छर क्या करते हैं, उसमें आके अपने अंडे देते हैं, और उसके बरसात के बाद होता है डेंगू। हमेशा जो भी डेंगू फीवर होता है वो बरसात के कारण होता है। उसका एक ही उपाय है कि घर में कहीं भी पानी को हम इकट्ठा होने मत दें। जी, इन दिनों डॉक्टर साहब जिस तरह की बीमारियां होती हैं, बारिश का मौसम है, मौसम में बीमारियों का प्लेटलेट का क्या, प्लेट भी घटने का इनका एक मुद्दा बना रहता है, प्लेटलेट घटने का भी एक कारण बना रहता है, एक मैटर करता है। जी फिर से रिपीट कीजिए। जिस तरह से बारिश में बरसात में प्लेटलेट कम हो जाती है बीमारियों में, डेंगू रहता है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कैसे रख रखाव किया जाए? डेंगू के लिए सबसे जरूरी है, तो हम बता दिए कि सबसे जरूरी है पानी रोकने दें। अगर हाँ डेंगू किसी को होता है तो बहुत बड़ी ये बीमारी नहीं है डेंगू, अगर हम उसको प्राइमरी लेवल पर अगर मैनेज करें। डेंगू में सिर्फ होता है कि शरीर से पानी का लॉस होना, मतलब
पानी निकलना, तो सबसे जरूरी है कि हम अपने शरीर से जितना ज्यादा हम पानी पिए और बुखार हो तो सिंपल पैरासीटामॉल लें। ग्रामीण इलाके होते हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं, उसमें बाढ़ जब होता है तो बहुत सारा ऐसा पानी इकट्ठा होता है। घर का पानी तो आपने बताया कि घर के पानी को हम इकट्ठा ना होने दिया जाए, लेकिन बाढ़ के टाइम पे बाढ़ग्रस्त होते हैं जो क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ बीमारियां कुछ ज्यादा पनपती है। तो सरकार को इस सारी चीजों में सरकार की भी एक जवाबदारी तय होती है क्या उसमें? गाँव वाली चीजों में जहाँ भी मतलब ऐसा होती है कि जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो गांव वाले तो एक मतलब डिजास्टर वाली कंडीशन हो जाती है बाढ़ वाली चीज़ें, तो उसमें को सबसे ज़रूरी है कि अगर हमको बचना है कि इस सब बीमारियों से बचना है तो बाढ़ की सीजन में भी जो हम अगर पानी यूज करें उसको उबाल के ठंडा करके पिए। मतलब सारी चीज़ें ये हैं कि खान पान भी एक बड़ा मैटर करता है। सबसे बड़ा ये है कि खान पान अगर हम करेंगे सारी चीजें तो प्राथमिक तौर पर हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी खान पान चीज होना चाहिए बाढ़ की चीजें। सबसे जरूरी जो होता है कि अपने को हम सफाई रखें, कोई भी चीज हम खाएं पिए सबसे पहले अपने हाथों को धोने अच्छी तरह से, उसके बाद हम जो भी चीज सेवन करना है, हमको पानी पीना है या खाना खाना है, सब कुछ हाथ धुल के ही करें। सफाई सबसे जरूरी है। 99% इन्फेक्शन अपने हाथों से फैलता है, बच्चों को या किसी भी बड़े लोगों को भी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन मतलब गंदगी से फैलता है। तो कोई भी चीज़ हम बारिश में सबसे जरूरी है सफाई रखना। हम खा रहे हैं तो हाथ को धुल दें, लैट्रिन करके आ रहे हैं तो अपने हाथ को धुल के रखें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो बहुत सारे इस तरह के मरीज भी आपके सामने, बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जिसमें बड़ी जो बीमारियां होती हैं कालरा डायरिया जैसी कभी कभी घातक रूप ले लेती हैं, और आधिकारिक जो पेरेंट्स होते हैं उनको इस चीज की भनक तक और लक्षण समझ में नहीं आते। तो क्या आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जो अभिभावक रहेंगे पेरेंट्स रहेंगे उनको ये समझ में आना चाहिए कि क्या लक्षण है हमारे बच्चे में, क्या लक्षण मतलब परिवर्तन है? हाँ, सबसे जरूरी है कि लक्षण की कैसे हम पहचाने कि कौन सी बीमारी है। सबसे कॉमन हमने बताया कि सबसे कॉमन बीमारी है दस्त, उसके बाद है डिसेंट्री जिसमें दस्त के साथ खून आना, उसके बाद है टाइफाइड हो गया, उसके बाद है हेपेटाइटिस आ गया, उसके बाद है मलेरिया आ गया। तो दस्त में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि कैसे हम पहचाने। दस्त में क्या होता है कि अगर नॉर्मली बच्चा अगर जो लैट्रिन करता है एक से दो बार करता है, लेकिन क्या करते हैं कि दस्त में क्या होता है कि जो लैट्रिन होते हैं बच्चों को जो पतला लैट्रिन होता है दिन में 3 से 4 बार होता है, दस्त के साथ उल्टी आता है और डिहाइड्रेशन आ जाता है। ऐसे हम बच्चों को दस्त पहचान सकते हैं। और जो हम बोलते हैं डिसेंट्री जिसमें खून आता है उसमें दस्त के साथ ब्लड मतलब लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाता है। और एक होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में क्या होता है कि पेट दर्द शुरू हो जाता है, पीलिया वाली बीमारी शुरू हो जाती है, और क्या नाम बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है। और जो हमारे टाइफाइड होता है जो बहुत कॉमन है पानी के कारण, सबसे ज़्यादा 99% जो बीमारी होती है टाइफाइड वो होता है मेनली पानी के कारण। तो टाइफाइड को पहचानने के लिए क्या होता है उसमें हेडेक होता है, सर में दर्द होगा, लंबी फीवर होगा मतलब एक हफ्ता से ज़्यादा बुखार होगा, उसमें हेडेक होगा, चिड़चिड़ापन बच्चे में, दोनों में दर्द, चिड़चिड़ापन नजर आएगा, परिवर्तन रहेगा बच्चे में, मुख्यतः रूप से चिड़चिड़ापन परिवर्तन रहेगा बच्चों में। सेम कंडीशन है बच्चों में, यही रहता है कि बच्चे हमेशा हमारे पास जब भी आएंगे वो दस्त के कंप्लेन से आएंगे, उल्टी के कंप्लेन से आएंगे, भूख ना लगना जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, मंजय जिस तरह से हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बहुत सारी इस तरह की हमारी जानकारियां और सुझाव बचने के लिए और बचाव और किस तरह से बचा जाए बरसात के मौसम में, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेशकीमती टाइम निकाला और हमारे दर्शकों को बताया किस तरह से बीमारियों से बचा जा सकता है। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती, प्राथमिक तौर पर अगर रख रखाव ठीक से किया जाए, खान पान का ध्यान रखा जाए तो उससे लड़ा जा सकता है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।